गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं और आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के सीरीज पैरेलल या एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भैया ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस का मतलब है सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। आपने रेजिस्टेंस सीरीज ग्रुप पढ़ा, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा और सेल सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा, इसी तरह से इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। जैसे कि आपसे ये कहा जाए, आपके पास एक कॉइल है और ये आपके पास कोई दूसरी कॉइल है, ठीक है, ऐसे एक दूसरी कॉइल बना दी जाए, दोनों की इंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। आपने कहा कि इसकी इंडक्टेंस L1 और इसकी इंडक्टेंस L2, आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने की एक ही मेथड है कि आप इनको डायरेक्ट कनेक्ट करते हो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करते हो या पैरेलल ग्रुपिंग में करते हो। तो सबसे पहले तो हम सीरीज ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, देखिए सीरीज ग्रुपिंग में एक तो ये मेथड कि आपने यहां से करंट पास किया, इसमें भी सेम करंट गया क्योंकि आपको पता है सीरीज में तो करंट हमेशा सेम होता है। और इसी का दूसरा मेथड भी है कि आपने क्या किया भाई, एक कॉइल को यू रखा और दूसरी कॉइल आपने यहां रखी, हो गया L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस इनकी। उसके बाद यहां से आपने करंट पास किया I और उसके बाद यहां आपने इसका सीधा कनेक्शन यहां कर दिया, इस कनेक्शन को यहां बाहर निकाल दिया, समझ आए। मीन्स यहां से अगर हम करंट को देखते हैं तो यू जा रहा है फिर यहां से वापस आना है, समझ आ गया होगा। जब हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे यहां पर, जैसे कि अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स की डायरेक्शन लेंगे, तो दोनों केस में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। बट यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर फ्लक्स के डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। यू एरो के साइन में इधर लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें करंट के डायरेक्शन अपोजिट है, समझ आया कि नहीं आया। तो ये दोनों के दोनों सीरीज ग्रुपिंग है। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब है कि दोनों कॉइल में करंट की वैल्यू सेम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले हम ये केस ए है और ये केस बी है, क्लियर, हम केस ए की बात करते हैं। अगर कनेक्शन केस ए जैसा है, आपके पास दो इंडक्टेंस कॉइल है और इन दोनों जैसा आपके पास केस है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ई इक्विवेलेंट, आपसे ई इक्विवेलेंट पूछा गया कि आपने ये बताना है कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ई इक्विवेलेंट क्या आता है, ठीक है भाई। जब हम ई इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे भाई, हमने ये कहा, हम बताएंगे भाई लेंथ, ये L1 इंडक्टेंस तो बता दिया, हम ये बता देंगे MB म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि दो कॉइल है ना भाई तो दोनों के बीच में इंडक्टेंस भी बतानी होगी, MB म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इन दोनों कॉइल्स के बीच की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको क्या बता दिया, M बता दिया। फर्स्ट केस क्या कहेंगे भाई, अगर हम E1 की बात करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ E1, फर्स्ट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या पढ़ा था हमने, L1 di upon dt माइनस M di upon, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का,
ये हमने क्या कहा, ये क्या है भाई, इस कॉइल के अंदर अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो, प्लस इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो प्रोड्यूस हुआ है वो, दोनों के दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके लिखे हैं, प्राइमरी कॉइल फर्स्ट कॉइल के लिए लिखे हैं। हमने क्या कह दिया, ईवन बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट कॉइल। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं। देखिए जैसे ही आपने करंट यहां पर इंक्रीज किया तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हुआ, बट करंट तो इसके अंदर भी तो गया है ना, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर मान लो ये कॉइल नहीं है तो इसमें जो करंट आपने चेंज किया है, केवल इसमें जो करंट चेंज हुआ है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये। प्लस अब ये कॉइल आपने इसके साथ कनेक्ट कर दी और इसी के पास रख दी, तो इसका फ्लक्स भी उसके साथ लिंक करेगा, तो फ्लक्स तो और भी ज्यादा चेंज होगा, तो इसकी वजह से भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये तो सेकेंडरी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये इसके खुद की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। सिमिलरली अगर हम ई टू की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, अगर ये E2 EMF सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है तो इसके खुद की वजह से कितना होगा, इसमें इंडक्टेंस कितनी है, L2, करंट चेंज इज सेम DI अपॉन DT, माइनस ऑफ, दोनों नेगेटिव रहेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर M ली है तो दोनों की क्या रहेगी, एक दूसरे की सेम, क्योंकि हमने आपसे क्या बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इज इक्वल टू M21, पिछली ही क्लास में हमने आपसे बताया था। M into यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भाई, DI अपॉन DT। आपको पता है सीरीज में हमेशा पोटेंशियल को ऐड किया जाता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। देन आप क्या कहेंगे भाई, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। फर्स्ट के अंदर आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, E1, और सेकेंड के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, E2। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों के अंदर हमने क्या कहा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, और E इक्विवेलेंट को हम क्या कहेंगे भाई, ये तो हमारे पास कंप्लीट एक कॉइल मानी जाएगी, हम कह देते हैं E इक्विवेलेंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द E इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल हमने आपसे पहले रेजिस्टेंस में क्या बताया था कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, 2 ohm 3 ohm, ठीक है, दोनों को सीरीज में जोड़ा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 ohm 2 plus 3। हम क्या कहते थे कि उन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दो, उनकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस लगा दो 5 ohm का, सेम वर्क करेंगे दोनों, यही समझाया था। वही बात मैं यहां बता रहा हूं कि आपके पास यहां दो कॉइल है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरे की सेल्फ इंडक्टेंस L2, और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ये हमने आपसे बताई, क्लियर। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए E इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इन दोनों को हटाओ और एक नई कॉइल लगा दो, और वो जो कॉइल लगाई है उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम E इक्विवेलेंट का नाम देंगे। देन E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ L DI अपॉन DT। अब आप सोच रहे हो सर म्यूचुअल नहीं लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने इन दोनों को हटाया और केवल एक कॉइल लगाई, तो उसका अपने आप में म्यूचुअल थोड़ी होगा, उसका तो केवल सेल्फ ही होगा। तो ध्यान से देखिए, हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस L DI अपॉन DT इज L इक्विवेलेंट बोल देता हूं इसको, L इक्विवेलेंट, क्लियर। ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर दोनों केस के अंदर, E1 में भी और E2 में भी, माइनस L1 DI अपॉन DT माइनस M DI अपॉन DT माइनस L2 DI अपॉन DT माइनस M DI अपॉन DT।
ध्यान से देखिए माइनस डी आई अपॉन डी टी दोनों तरफ से कैंसिल हो रहे हैं, तो एल इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया भाई, एल इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास एल वन प्लस एल टू माइनस सॉरी प्लस टू है, ये आपके पास एल इक्विवेलेंट आ गया। समझ आ गया भाई? तो ये हमने केस फर्स्ट की स्टडी की है कि पहला केस अगर इस तरह से सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो क्या होगा। समझ आ गया? तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्नैप ले लीजिए, उसके बाद हम सेकंड केस की स्टडी करते हैं। देखिए सेकंड केस की स्टडी करते हैं बेटा, सेकेंड केस में भी हम यही बताते हैं कि M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है प्रोड्यूसिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन द टू कॉइल्स। अब देखिए इस केस के अंदर क्या है, यहां देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, यू है करंट की डायरेक्शन, क्लियर। अब करंट की डायरेक्शन एक में राइट साइड है, दूसरे में क्या है लेफ्ट साइड, ये तो मेरे हिसाब से बताने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट आ रही है तो दोनों के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा जो इसके इंड्यूस डीएमएफ का अपोज करेगा, बट एक कॉइल के अंदर राइट साइड है तो दूसरी कॉइल के अंदर लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ईएमएफ का ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर मान लीजिए आपने कहा था कि इसमें राइट डायरेक्शन है तो इसका जो ईएमएफ है वो आपने लेफ्ट लिया था, बोलो लिया था कि नहीं, तो इन दोनों की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, देखिए एक के फ्लक्स की लाइन मैंने यहां पर शो करके दिखाई थी दोनों में, इनमें तो दोनों की फ्लक्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, बट इसमें अगर देखा जाए तो राइट साइड है और इसमें फ्लक्स को क्या बताया हमने लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा तो हम क्या कहेंगे भाई, ई वन इज इक्वल टू माइनस एल वन डी आई अपॉन डी टी, बोलो होगा कि नहीं होगा, ई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, और इन दोनों को म्यूचुअल की बात करते हैं तो दोनों में देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फ्लक्स है उन दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पोर्ट तो कर ही नहीं सकते, ये क्या करेंगे अपोज करेंगे, मीन्स जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव बिकॉज इट स्पोर्ट इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ को क्या करेगा स्पोर्ट, क्यों, क्योंकि देखिए जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और इंड्यूस डीएमएफ क्या करेगा इसको इंक्रीज नहीं होने देगा, और ये अगर हम देखें तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी का फ्लक्स है तो ये भी क्या कर रहा है इस फ्लक्स को डिक्रीज ही कर रहा है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया। समझ आ गया? इसी तरह से अगर हम ई टू की बात करें तो उसमें भी क्या हो जाएगा एल टू डी आई अपॉन डी टी प्लस एम इंटू डी आई अपॉन, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस की बात करें तो लेफ्ट डायरेक्शन में और इसकी फील्ड लाइंस की बात करें तो राइट डायरेक्शन में, इसमें दोनों की फील्ड लाइंस क्या थी फ्लक्स दोनों का सेम डायरेक्शन में था, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम थी तो वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। समझ आ गया? तो जिस डायरेक्शन में इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था इंड्यूस डीएमएफ अपोजिट था तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी अपोजिट हुआ था, बट यहां पर डायरेक्शन डिफरेंट है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ का सपोर्ट करेगा, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया। अब ई इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ई इक्विवेलेंट तो ई वन प्लस ई टू लिखा जाएगा ये भी, और ई इक्विवेलेंट थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे बताया था ई इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एल वन डी आई अपॉन डी टी प्लस एम डी आई अपॉन डी टी, ये ई वन की वैल्यू है भाई, माइनस एल टू डी आई अपॉन डी टी प्लस एम डी आई अपॉन डी टी, ये किसकी वैल्यू है भाई
एल टू इंडक्टर की है, समझ आ गया। दोनों की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एल इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, एल वन प्लस एल टू माइनस टू है। केवल डायरेक्शन डिफरेंट हुई तो एल इक्विवेलेंट बदल गया, ओनली चेंज एल इक्विवेलेंट, केवल एल इक्विवेलेंट चेंज हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जाता है, काफी ट्रिकी भी है, समझ आ गया भाई। अगर मान लीजिए आपसे इस सीरीज की जगह पर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए भाई, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो देखिए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर पढ़ते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर आपको पता है कि हम दो इंडक्टर ले लेते हैं, इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, क्या होता है भैया, करंट डिवाइड होता है पैरेलल ग्रुपिंग। आपने कहा कि हम आई करंट देते हैं, यहां से आई वन करंट चला गया इसमें और इसमें आई टू करंट, समझ आ गया। अब पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं, ये इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस एल वन, इसके सेल्फ इंडक्टेंस एल टू, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको क्या बता देते हैं, एम। और इनिशियल केस में तो मैं यही बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, क्लियर। अब ध्यान से समझिए, अब एक बात दोबारा से आपने दिमाग में घुमाइए कि सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग को हमेशा सोल्व करना था तो हम कौन सी ट्रिक लगाते हैं। हमने ये कहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट हो हम उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि सीरीज के अंदर हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम पोटेंशियल को ऐड कर लेते थे कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। यहां पर हमने सीरीज अभी अभी पढ़ा था तो हमें पता था कि E इक्विवेलेंट, ये जो यहां पर ईएमएफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या करेंगे, सीरीज में ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ईएमएफ को ऐड कर लेते हैं, ये हमने आपसे बताया था। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड और भी कॉइल होती तो हम उसको प्लस अप टू E3 प्लस E4 ये सब लिख देते, ठीक है। हमें पता है पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल ये करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उस केस में हम करंट को ऐड कर देंगे। हम क्या कहेंगे भैया, यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हम ये लिख देंगे, समझ आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी। और ये तो शायद मेरे हिसाब से हम निकाल ही रहे हैं, हर एक केस में निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इसकी बात करते हैं इन फर्स्ट कॉइल और यहां लिख देते हैं इफ देर आर नो म्यूचुअल इंडक्टर, अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो एम की वैल्यू क्या रखी जाएगी, जीरो, समझ आ गया। अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है इन फर्स्ट कॉइल, ई वन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई वन अपॉन डी टी लिखा जाएगा भाई, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहां से हमने क्या किया भाई, डी आई अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी निकाला, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ ई वन अपॉन एल, कोई प्रॉब्लम है भाई। इसी तरह से हमने क्या किया भाई, हमने यहां सिमिलरली डी आई टू अपॉन डी टी डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या लिख सकते हैं उसको, माइनस ई टू अपॉन एल टू, इतना तो समझ ही जाओगे, क्योंकि आपने क्या लिखना होगा, ई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल टू डी आई अपॉन डी टी, बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है, यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी आई टू अपॉन डी टी आ जाएगा। अब अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, ईएमएफ तो इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं,
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो यहां पर जो हम E1 E2 लिख रहे हैं वो तो क्या है, सेम है। तो मेरे हिसाब से जो EMF होगा हम उसको E1 E2 की बजाय क्या लिखेंगे, E लिख देंगे, क्योंकि EMF क्या है, सेम। हम कहेंगे पेयर EMF इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो EMF क्या है हमारे पास, यहां सेम है। समझ आ गया। तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर E इक्विवेलेंट की बात की जाए, E इक्विवेलेंट की बात की जाए तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ L इक्विवेलेंट DI अपॉन DT। और DI अपॉन DT अगर यहां से निकालते हो तो DI अपॉन DT क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ E इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट। क्लियर है। हम इन दोनों इन सभी जितनी भी वैल्यूज हैं, यहां से DI अपॉन DT एक यहां पर क्या था, DI2 अपॉन DT था, और उसके बाद यहां क्या था भाई, DI1 अपॉन DT। जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहां देखेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ E अपॉन L1 माइनस ऑफ E अपॉन L2। क्लियर। एंड इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट भी माइनस ऑफ E अपॉन L इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, EMF सेम होता है, तो E इक्विवेलेंट भी क्या होगा, E रहेगा। वही माइनस E तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L इक्विवेलेंट। अगर यहां से L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाले जाए तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हो गया। LCM ले लीजिए L1 L2, L1 प्लस L2, तो L इक्विवेलेंट इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पलट देंगे। यहां पर आपने क्या कहा, L1 L2, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L इक्विवेलेंट। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं भाई। अगर ये कहता है कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ जाए, इफ देयर आर सम म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं आपको डायरेक्ट ही इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। हम यहां बता देते हैं, इफ देयर आर एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल्स, जो आपका सीधा ये फॉर्मूला जो L इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसी को मैं बता रहा हूं। L इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है, L1 L2 मल्टीप्लीकेशन है, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस M, डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देगा, माइनस ऑफ M स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ये कहां से ले लिया। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इनके अंदर कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हुई है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L1 DI अपॉन DT प्लस M DI1 अपॉन DT। मेरी बात समझ गए। इसी तरह से सेकंड के लिए लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। हमारा मेन मकसद है DI1 अपॉन DT निकालना, फिर DI2 अपॉन DT निकालना, और अगेन DI अपॉन DT के अंदर उनकी वैल्यू को पुट करना। समझ आ गया। तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ये सीरीज पैरेलल है, उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, एक स्नैप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है,
ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। चलो ये ले लेते हैं। ये कहता है एक टोरॉइडल सोलेनोइड। अब टोरॉइडल सोलेनोइड की बात आती है तो हमारा दिमाग सीधा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जहां हमने पढ़ा था वहां पर जाता है। ये कहता है टोरॉइडल सोलेनोइड विद एन एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो जो सोलेनोइड है, टोरॉइडल सोलेनोइड है, उसकी एवरेज रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, चलो सोलेनोइड ही बना देते हैं। इसकी एवरेज रेडियस की बात कर रहा है, कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 0.15 मीटर लिख देता हूं या 10^-2 ले देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात भी कर रहा है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 10^-4 मीटर स्क्वायर। एंड टर्न्स 1200, एन इज इक्वल टू 1200 टर्न्स की बात कर रहा है। ये कहता है ऑब्टेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड की ये कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, मींस आपने टोरॉइड एल बताना है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तो एल निकालने के लिए तो आप मेरे हिसाब से सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगाओगे? जैसे कि यहां पर टोरॉइड सोलेनोइड की बात की जा रही है, तो टोरॉइड सोलेनोइड तो भाई ऐसे बनानी पड़ेगी, ये रेडियस है ना कि ये रेडियस है। पहली बात, ये तो सोलेनोइड है, टोरॉइड सोलेनोइड की बात की जा रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए। ये है आपका आर, और आर की वैल्यू 0.15 मीटर है। अब यहां पर कॉइल को घुमाया गया है, कॉइल किस तरह की है भाई? ठीक है भाई, कॉइल ऐसी है। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हम इसकी कंप्लीट की लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई। आप बोलो जाएगी कि नहीं? अब आपने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको पता है। क्या क्या है भाई? एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए बाई एल। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला, इस टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, और L इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई आर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलेनोइड की लेंथ तो गिवन ही नहीं है। क्या सोलेनोइड की रेडियस गिवन है? तो हम इसकी लेंथ निकाल देंगे, 2 पाई आर आ जाएगी। म्यू नॉट हमें मालूम है, एरिया गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला गिवन है, ये यहां पर लिखा हुआ है 12×10^-4 मीटर। अगले में ये कहता है कि सेकंड पॉइंट ये निकलवाता है, ये कहता है कि सेकंड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज बाउंडेड क्लोजली ऑन द टोरॉइड अबोव। ये कहता है कि इसी टोरॉइड के ऊपर एक और कॉइल को यूं लपेट दिया गया, इसी के ऊपर ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे यूं लपेट दिया गया। तो जो ये ब्लैक कलर से मैंने एक बनाई है, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बता रहा है 300। तो बेटा एक बात ध्यान से देखो, जो पहले क्वाइल थी ना उसको तो N1 से लिखेंगे, दूसरे क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स को किससे लिखेंगे? N2 से लिखेंगे। समझ आ गया? इफ द करंट इन द प्राइमरी क्वाइल इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। ये कहता है कि इस प्राइमरी क्वाइल के अंदर जो रेड कलर की जो हमने बना रखी है, इस क्वाइल के अंदर जो करंट है ना 0 to 2 एम्पियर चेंज किया गया। ठीक है, 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड और इन 0.05 सेकेंड। अब इसका मतलब अगर आप यहां से DI/DT निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कहां से कहां चेंज किया गया? 0 to 2 एम्पियर, 2 - 0/0.05 सेकेंड। भाई कितने टाइम में चेंज किया गया? 0.05 सेकेंड। समझ आ गया? आपके पास ये क्या आ गया? एम्पियर पर सेकंड में आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? ऑब्टेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल।
आपने इंड्यूस ईएमएफ निकालना है सेकेंडरी कॉइल का। तो आप एक बात बताइए, जो अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्ट अगर हम निकालने की बात करें तो कैसे निकाल पाओगे? इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, हम क्या बताएंगे, एम इंटू डी आई अपॉन डी टी। भाई माइनस का साइन और लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो हम माइनस का साइन और लगा सकते हैं, बस काम खत्म। क्योंकि नेगेटिव साइन केवल इसके इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है और कुछ नहीं है। और अगर आप नहीं भी लगाते हो तो डायरेक्ट आंसर आपका वोल्ट में आ जाएगा। देखिए E=V। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मालूम होने चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, N1 N2 म्यू नोट A अपॉन L DI अपॉन AT। लेंथ की बात करें मेरे हिसाब से सेम है दोनों की, क्या हो जाएगी L की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2πr। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मेरे हिसाब से जो भी गिवन होना चाहिए ना सब कुछ आपके पास गिवन है, बस थोड़ा समझना है। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो अभी आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। थैंक यू।